नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन। दोस्तों आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लीवर सोरासिस। लीवर हमारे शरीर का एक ऐसा ऑर्गन जिसे सबसे बड़ा ऑर्गन दोस्तों कहा जाता है और सबसे बड़ा ऑर्गन है। लीवर को दोस्तों सेकंड ब्रेन भी कहते हैं, अर्थात लीवर खुद डिसाइड करता है कि कौन कौन से पाचक रस बनाना है। लीवर दोस्तों 500 से ज्यादा टाइप के पाचक रस बनाता है और कहते हैं कि लीवर के जितना पाचक रस बनाने के लिए अगर कंपनी और फैक्ट्री लगानी हो तो शायद बहुत बड़ा एक शहर जितना बड़ा शायद फैक्ट्री लगाएंगे तब भी सारे केमिकल आप तैयार नहीं कर सकते हैं। मतलब दोस्तों लीवर आपके बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए और हमारे मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए सबसे अहम रोल लीवर निभाता है। तो लीवर के बारे में दोस्तों आज हम संपूर्ण जानकारी यहां पर लेने वाले हैं कि कैसे आप लीवर को डिटॉक्स रख सकते हैं, कैसे लीवर सोरासिस से आप अपने आप को बचा सकते हैं, हेपेटाइटिस अगर बी और सी समस्याएं आपको हो रही है तो कैसे लीवर को दोस्तों फैटी लीवर होने से आप बचा सकते हैं, कौन कौन से आसन करना है, कौन सी मुद्राएं करना है, अपने खान पान में कौन कौन सी चीजें आपको बदलना है, घरेलू क्या नुस्खे अपनाना है दोस्तों जिससे लीवर सोरासिस की समस्या आप जड़ से समाप्त कर सकते हैं। ये वीडियो नहीं है, ये वरदान है, ये आपका जीवन है। बहुत ध्यान से दोस्तों इस वीडियो को अंत तक आप सभी को देखना है और जो भी कुछ बता रहा हूं इसको प्लीज लिख लो और अपना लो। ये मेरा वादा है दोस्तों कि आपका जीवन बदलेगा, आप या आपके परिवार में किसी न किसी को दोस्तों ये वीडियो बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि लीवर सोरासिस होता क्यों, लीवर में प्रॉब्लम आती क्यों है, लीवर फैटी बनता क्यों है। गरीब अपॉइंट सबसे पहला प्रश्न, जो लोग एल्कोहलिक हैं, जो लोग दारू का सेवन करते हैं, अर्थात जिनकी बॉडी बहुत ज्यादा एसिडिक होती है दोस्तों, उनको लीवर सोरासिस होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर लीवर के जो सेल हैं वो डैमेज होना शुरू होते हैं और धीरे 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 बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं, रेडिश होते हैं, इससे लीवर की एक्टिविटी खत्म होने लगती है। तो जो लीवर में खुद अपने आप को डिटॉक्स करने की ताकत है और लीवर पूरे बॉडी को डिटॉक्स करने की ताकत रखता है, वो इतने ज्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है दोस्तों कि फिर उसमें इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है, रेडिशनेस शुरू हो जाता है, स्वेलिंग शुरू हो जाती है और एक समय के बाद लीवर सोरासिस तक स्थिति पहुंच जाती है। तो सबसे पहले जो दारू पीने वाले लोग हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो उनको सबसे पहले बंद करना पड़ेगा। दूसरा, लीवर सोरासिस होने का सबसे बड़ा कारण है, लीवर फैटी लीवर होने का सबसे बड़ा कारण है ज्यादा पैकेट बंद चीजें या ट्रांस फैट यूज करना। अर्थात ट्रांस फैट क्या होता है दोस्तों, जो ऑयल होता है जब उसे बार बार बॉइल किया जाता है तो उसके अंदर के जो फैट्स और टूट के ट्रांस फैट पैदा करते हैं। अगर आप बाहर की तली भुनी चीजें खाते हैं, समोसा खाते हैं, पानी पूरी खाते हैं, पकौड़े खाते हैं, भजिया खाते हैं, ब्रेड पकौड़ा खाते हैं और खाने में बड़ा मजा भी आता है, मजे से खाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने बॉडी को बर्बाद कर रहे हैं। लीवर सोरासिस की समस्या दोस्तों ट्रांस फैट से होती है, तो ज्यादा तली हुई चीजें तो बिल्कुल छूना नहीं है, समझ के चलिए गांठ बांध लेना है आप सभी को। दूसरा दोस्तों, जो लोग बहुत ज्यादा मेडिसिन खाते हैं, आपको एसिडिटी हुई मेडिसिन, कोई समस्या हुई मेडिसिन, घुटना दर्द हो रहा मेडिसिन, हेडेक हो रहा दवाइयां खा ली है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, जब कोई भी मेडिसिन आप खाते हैं वो मेडिसिन क्या है, वो केमिकल है और हमारे शरीर में लीवर अकेला 500 से ज्यादा टाइप के केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है। तो जब आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो पेट के अंदर जाती है, तो पेट के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे केमिकल उपलब्ध हैं। वो मेडिसिन हमारे शरीर के अंदर जितने केमिकल हैं सबके साथ चैन रिएक्शन करता है, कंटिन्यू रिएक्शंस होते हैं और वो जो रिएक्शंस होते हैं दोस्तों कुछ रिएक्शन फायदे के लिए होते हैं, जिसके जैसे हेडेक के लिए आपने गोली खाई है तो हेडेक ठीक हो जाएगा, पेट दर्द हो रहा है तो पेट दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद के जितने रिएक्शंस होंगे दोस्तों वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। तो जो लोग बहुत ज्यादा दवाइयां खाने के एडिक्टेड हैं, ये छोटी छोटी चीज पर दवाइयां खाना शुरू कर देते हैं तो फिर उनको लीवर की समस्या दोस्तों होना बहुत ही आम बात है, लीवर सोरासिस हो जाएगा या फैटी लीवर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। जो लोग पैकेट बंद चीजें खाते हैं, मार्केट में जो पैकेट बंद चीजें गुपचुप पानी पूरी जैसे कुरकुरे है, चिप्स है, या जैसे पिज्जा खाते हैं, बर्गर, हॉट डॉग, इन इस ऐसे ठेले पे जो चीजें मिलती है उसको अगर आप खाते हैं तो इसमें लीवर सोरासिस की समस्या हो जाती है। जिनका अनियमित जीवन हो गया है, जिनकी जीवन शैली कंप्लीटली डिस्टर्ब हो चुकी है, जो कोको कोला ज्यादा पी रहे, थम्सअप पी रहे, रात को 2 बजे खाना खा रहे, 3 बजे खाना खा रहे, कभी सुबह नाश्ता नहीं कर रहे, तो जिनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुकी है, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस टेंशन में काम कर रहे हैं दोस्तों, तो उनको भी लीवर सोरासिस या लीवर फैटी लीवर की समस्या होने की मैक्सिमम संभावना है। तो दोस्तों जरा एक बार आप चेक कर लेंगे कि आपका बहुत ज्यादा सेटिंग जॉब है, बैठकर आप काम करते हैं, ज्यादा वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ज्यादा हेडेक ले रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर ले रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके भी लीवर की समस्या दोस्तों हो सकती है। पता कैसे चलेगा कि आपके लीवर में प्रॉब्लम हो चुकी है, आपको कंटिन्यूअसली पेट से जुड़ी ही कोई ना कोई समस्या होगी।
आपका डाइजेशन क्लियर नहीं होगा, एसिडिटी ज्यादा बनेगी, गैस ज्यादा बनेगी, आपको चक्कर आ सकते हैं, उल्टी हो सकती है, आपको लैट्रिन दस्त लग सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, पेट में हम अक्सर मरोड़ रहने की समस्या, कभी टीसने की समस्या, कभी पेट में ऐंठन जैसा होगा, कभी आपको हेडेक बहुत ज्यादा होगा, माइग्रेन जैसा आपको लगेगा, ऐसा लगेगा कि सिर पटा जा रहा है। ये सारे सिम्टम्स हैं दोस्तों जिसे पता चलता है कि आपके लीवर में प्रॉब्लम हो चुकी है। और कितने लोगों को दोस्तों इसके कारण फिर फाइल्स की समस्या हो जाती है, फिर इसी के कारण जब लीवर में प्रॉब्लम आती है तो आपकी आंतों में समस्या आ जाती है, पिंक्रियाज में समस्या आ जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो दोस्तों वो आपके बढ़ जाते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इससे जुड़े हुए जो प्रॉब्लम्स है वो आपको देखने के लिए मिलती है। अब दोस्तों मुद्दा है कि अगर लीवर में प्रॉब्लम आ गई है तो उसे सुधारा कैसे जाए, उसे ठीक कैसे किया जाए। अभी फटाफट लिखना चालू कर दीजिए, एक एक चीज बता रहा हूं, पेन पेंसिल लेकर बैठो। सबसे पहले दोस्तों आपको कच्चे लहसुन का सेवन करना है, गार्लिक लेना है। तो जो गार्लिक में दोस्तों जो सल्फर कंपाउंड्स रहते हैं ये आपके लीवर के एंजाइम्स को दोस्तों बूस्ट करने का काम करते हैं, तो लीवर में जो डिटॉक्स करने का पावर है ये बढ़ जाता है, तो लीवर खुद को क्योर करना शुरू कर देता है, जो डैमेज सेल है लीवर के वो रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं। तो कच्चा लहसुन आपको दो पीस सुबह छोटे छोटे टुकड़े में कट करना है, उसको जीभ पे रख के गुनगुने पानी से गटक लेना है, तो ये कंटिन्यूअसली ये आप इसका सेवन आप करेंगे, कच्चे लहसुन का सेवन अगर लीवर को क्योर करना है तो। दूसरा दोस्तों अदरक की चाय आपको पीना है, या अदरक की चाय पिए, अदरक को अदरक के रस को निकालकर पानी में बॉईल करके उसमें थोड़ा सा शहद डालकर जब ठंडा हो जाए तब आप अदरक का सेवन आप जरूर करें। ये भी दोस्तों इसमें एंटी इंफ्लेमेशन रहता है, एंटी ऑक्सीडेंट रहता है, और ये आपको बहुत ज्यादा मदद करता है लीवर को, लीवर के सेल को हेल्दी करने के लिए, बूस्ट करने के लिए। हल्दी दोस्तों सबसे बेहतरीन काम करती है, हल्दी में भी एंटी इंफ्लेमेशन पाया जाता है और एंटी ऑक्सीडेंट पाया जाता है। हल्दी में जो कुर्कुमिन है ये लीवर के एंजाइम्स को बूस्ट करने का काम करती है, लीवर के जो सेल्स हैं उनको परफेक्ट बनाती है, पावरफुल बनाती है, और आपके टोटल इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। तो हल्दी का उपयोग करें कैसे, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप हल्दी, दूध हल्दी का सेवन कर सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखना है दूध को बॉइल करिए, उसको ठंडा करिए, उसका सारा फैट्स निकाल दीजिए, फिर उस दूध में एक ग्लास दूध है तो उसमें एक से डेढ़ चम्मच हल्दी डालिए और उसमें दो छोटी इलायची पीसी हुई डालना है, फिर उस दूध को हल्का सा गुनगुना करना है, गर्म करना, पहले तो बॉईल कर लीजिए, बॉईल करके हल्का सा गुनगुना कर ले, उसके बाद आप हल्दी दूध रात को पी के सो जाए। एक तो ये कर सकते हैं, दूसरा आप दो चम्मच हल्दी या डेढ़ चम्मच हल्दी ले लीजिए और उसे बराबर मात्रा में दो चम्मच शहद के साथ मिला के उसे खाली पेट सुबह चाट डालिए। हल्दी दिखने में ज्यादा रहती है दोस्तों, लेकिन उसमें जो कुर्कुमिन है, जो हमारे काम की प्रॉपर्टी है, वो बहुत कम रहती है। तो हल्दी का सेवन दोस्तों बहुत ज्यादा मदद करता है आपके लीवर को क्योर करने के लिए। सबसे बेहतरीन चीज है दोस्तों जो अब मैं बताने जा रहा हूं, अगर आप बॉडी को अल्कलाइन रख सकते हैं तो आपके लीवर की सारी समस्या जड़ से खत्म हो सकती है। अब कैसे रखना है अल्कलाइन बॉडी, बॉडी को अल्कलाइन रखने का मतलब ही होता है कि आपका बॉडी खुद ब खुद लीवर को ठीक करने लगता है, मतलब आपके शरीर में ताकत है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया लीवर को सेकेंड ब्रेन कहते हैं, 500 से ज्यादा टाइप के केमिकल लीवर प्रोड्यूस करता है, बहुत अमेजिंग पावर लीवर में होता है। तो क्या करना है, बॉडी को अल्कलाइन रखना है, अल्कलाइन कैसे रखना है, इसके लिए अल्कलाइन वाटर पीना है। अब आप बोलेंगे अल्कलाइन वाटर कहां मिलेगा, सर मिलेगा कहीं, आपके घर में उपलब्ध है, मैं बता रहा हूं कि बॉडी वाटर को कैसे अल्कलाइन करना है। मिट्टी के बर्तन में पानी भर के रख दीजिए, अर्थात एक घड़े में पानी भर के रख दीजिए, उसमें एक तांबे का साफ लोटा धो के माज के साफ करके उसके अंदर एक तांबे का लोटा डाल दीजिए। जब वो लोटा 8 घंटे तक उसके अंदर रह जाएगा तो आपके पानी की सारी प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा और अल्कलाइन पीएच लेवल उसका बढ़िया कर देता है। उस लोटे को आप 3 से 4 दिन तक उसके अंदर रख सकते हैं, उसके बाद उसे निकाल के फिर से अच्छे से धो के फिर से आप उस घड़े में उसे डाल सकते हैं। फिर उस पानी को आपको लेना है, घड़े का पानी 1 ग्लास लेना है और उस पानी में आपको अदरक के छोटे छोटे पीसेस करके, जैसे 1 लोटा पानी ले लीजिए उसमें 3-4 अदरक के छोटे छोटे पीसेस आपको काट के डाल देना है। इसके अलावा उस पानी में आपको तुलसी की 8-10 पत्तियां डाल देना है और उसमें 8-10 पीस खीरा जो रहता है, खीरे के 8-10 पीस को स्लाइस काट के उस पानी में
डाल देना है। इसके अलावा आंवला अगर मिल जाता है तो आंवला अगर कच्चा आंवला है तो उसके आंवले के स्लाइस आप काट लें, दो तीन स्लाइस डाल दें और उसमें दो तीन बूंद नींबू के निचोड़ दें एक लोटा पानी में और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, अर्थात आधे घंटे एक घंटे की। फिर इस पानी को आप पियेंगे, ये प्योर अल्कलाइन वाटर तैयार है जो आपके पूरे बॉडी को अल्कलाइन कर देगा। हाँ, इसमें एक चीज और डाल सकते हैं, मिर्ची, हरी मिर्च को बीच से फाड़ के उसको भी इसमें डाल दें। ये पूरा कॉम्बिनेशन दोस्तों पानी को अल्कलाइन कर देता है। आंवले को थोड़ा सा आखिरी में डालेंगे तो चलेगा। अगर आंवला कच्चा नहीं मिलता है तो आप सूखा कैंडी जो आंवला मिलता है दोस्तों उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको अल्कलाइन वाटर तैयार करना है, सेवन करके देखिए, पंकज शुक्ला का वादा है, आप करके देखिए दोस्तों, आपका जीवन बदल जाएगा, चमत्कारिक फायदा आपको मिलेगा, लीवर से जुड़ी हुई सारी समस्या जड़ से खत्म होगी। बस इस अल्कलाइन वाटर जिस तरीके से मैं बता रहा हूं बस इसका उपयोग करना आप शुरू भर कर दीजिए, फिर देखिए अपने जीवन में कैसे चमत्कार आप महसूस करते हैं। खान पान में विशेष रूप से ध्यान रखना कि दोस्तों ज्यादा तेल मसाला की चीजें कान को खड़ा लगा लो नहीं खाना है। किसी भी दावत या पार्टी में जाते हैं तो वहां जितनी खाने की चीजें उपलब्ध है उनको नहीं खाना है। अपने खाने में प्याज और लहसुन का सेवन कंपलसरी कर दीजिए, ये भी लीवर सोरेसिस में, लीवर में आपको बहुत ज्यादा इसमें फायदा करेगा दोस्तों। यानी पैकेट बंद चीजें नहीं खाना है, ठेले पे चीजें नहीं खाना है, ओवर ईटिंग नहीं करना है, खाना घर में बच गया है, लोग बोल रहे हैं मेरी तरफ से खा लो, शाम है इसलिए खा लो, सुबह इसलिए खा लो, अभी भूख लगी हुई इसलिए खा लो, एक बज गया इसलिए खा लो, दो बज गया इसलिए खा, जब भूख लगे तब खाओ। पॉइंट, अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ। एक्सरसाइज और वॉक कौन सा करना है, कौन सा आसन और प्राणायाम करें जिससे हम हेपेटाइटिस बी को खत्म कर सकते हैं और अपने लीवर को क्योर और फिट एंड फाइन रख सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको भुजंगासन करना है, भुजंगासन बहुत ज्यादा फायदेमंद है। भुजंगासन का अभ्यास सुबह 10 सेट और शाम को 10 सेट भुजंगासन आप सभी को अभ्यास करना है, खाली पेट ही भुजंगासन करना है, धनुरासन करना है, इस बात का ध्यान रखें। तो भुजंगासन 10 सेट, धनुरासन भी आपको 10 सेट आप सभी को धनुरासन करना है, सेतु बंध आसन करना है दोस्तों बहुत फायदे की चीज, पश्चिमोत्तानासन करना है, पश्चिमोत्तानासन ये बहुत फायदा दोस्तों आपको हेपेटाइटिस बी की समस्या में, आपको लीवर की समस्या में देगा, पश्चिमोत्तानासन आप करें। योग मुद्रा आसन आप लोग करें, भरपूर मात्रा में पानी पिए और लौकी का कल्प आप सभी को करना है, लौकी का कल्प एक हफ्ते तक सुबह और शाम दोनों समय खूब ज्यादा ज्यादा लौकी की सब्जी खाना है और लौकी का जूस पीना है, और लौकी का जब जूस पिएंगे तो उसमें एक ग्लास लौकी के जूस में दो तीन चार चुटकी काला मिर्च आपको डालना है, काला मिर्च, काली मिर्च जिसे ब्लैक पेपर कहते हैं, और थोड़ा सा काला नमक डाल के लौकी का जूस पिए और लौकी की सब्जी एक हफ्ते तक खाएं, इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा दोस्तों, मेरा वादा है, करके देखिए। कपालभाति प्राणायाम आप सभी को करना है, कम से कम 500 स्ट्रोक और भस्त्रिका करें, ये भस्त्रिका करो, फिर देखिए दोस्तों कैसे छू मंतर हो जाएगा, आपके लीवर की समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। पका पपीता आप लोग जरूर खाएं, कच्चे पपीते की सब्जी भी आप खा सकते हैं, पका पपीता आप लोग खाएं और बहुत जल्दी दोस्तों लीवर की समस्या आपकी 110% क्योर होगी। टेंशन और तनाव को प्लीज दूर रखें, 4 दिन की जिंदगी है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, क्यों लीवर बर्बाद कर रहे हो भाई साहब। और तंबाकू सिगरेट का सेवन नहीं करना है, दारू नहीं पीना है, क्यों अपने शरीर को, ये शरीर जो है ये मंदिर है, इसके अंदर आत्मा रूपी भगवान रहता है, तो भगवान आपके साथ है, किसी भी बात का टेंशन मत लो, यानी अपना काम अपना जॉब पूरी निष्ठा के साथ पूरी प्रसन्नता के साथ करो ताकि आपके शरीर में सारे हैप्पी हार्मोन्स निकलते रहे और लीवर बढ़िया रहेगा, पावरफुल रहेगा। तो दोस्तों अगर ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक के बटन नीचे है दबा दीजिए और इस वीडियो को 10 लोगों को शेयर करना नहीं भूलना है, और कमेंट करके बताइए दोस्तों कि कैसा लगा है ये वीडियो, आप सभी के कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। चैनल पर दोस्तों अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ही ज्वाइन, और दोस्तों प्लीज बेल आइकॉन घंटी 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 को दबा दीजिए ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन आ जाए जब मैं कोई अगला वीडियो आप सभी को भेजूं। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ, नए ज्ञान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, कोट कोट नमस्कार, जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।